एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 2023। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं 1 मई से लेकर के 15 मई के बीच। अब आज 11 मई हो गई, 15 मई तो आने ही वाली है, तो आपका जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, किस मंथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ये ज़रूरी है कि क्या आप तैयार हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिटन एग्ज़ाम आप फिजिकल दे चुके हैं, क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं? क्या आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? क्या आप कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं छोड़ रहे? क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? तो इसी वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कोई भी गलती ना करें जिससे की वजह से कि आपको बाहर निकाला जाए। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम डीवी कहते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए होगा? तो देखो, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें 10th की मार्कशीट, क्योंकि 10th बेस पे ये भर्ती थी, तो 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और उसकी फोटो कॉपी हम बाद में बात करेंगे। सबकी आपको दो दो तीन तीन फोटो कॉपी तो लेके ही जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो पहला क्या है, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद दूसरा है हमारा, इन्हें नोट करते रहना, ठीक है। दूसरा है हमारा, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी लीगल आईडी प्रूफ होना चाहिए। लीगल आईडी प्रूफ में क्या क्या चलेगा मैम? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब आपके चल सकते हैं उसमें आईडी प्रूफ में, ठीक है। लेकिन इनमें फ्रेंड्स, किसी में भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, या फिर नाम है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? कुछ भी लेकर जा सकते हैं इनमें से, चाहे आप आधार लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ से डीएल पासपोर्ट भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, जितनी भी वहाँ पर डिटेल्स हैं, वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, पहला आपने देख लिया 10th मार्कशीट, दूसरा आपको आईडी प्रूफ। अब तीसरा क्या है? तीसरा है आपका डोमिसाइल। क्या है? डोमिसाइल, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र का मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र। रहने को तो हम खाने पीने को, मतलब जैसे अपने काम के उससे दिल्ली आ गए, बम्बई चले गए, मथुरा चले गए, गोवर्धन चले गए, ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन एक हमारा स्थायी निवास होता है, तो उस वही लेके जाना है। डोमिसाइल आपको किसका लेके जाना है? परमानेंट वाला। क्लियर हो गया? परमानेंट आपको लेके जाना है। अगर आपके पास आरसीसी है, यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, तो वही आपको लेके जाना है। अब नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल वालों का तो कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, किसका होता है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो फ्रेंड्स, इनको अपने अपने, अगर इन्होंने लाभ लिया है पहले और इन्हें अब लाभ चाहिए, इन्होंने अपने को बताया कि हम एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर ही जाना है। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स, आपको जो सर्टिफिकेट है, अब देखो, जो एससी एसटी होते हैं वो तो स्टेट के हों, अगर उनका स्टेट का सर्टिफिकेट है तभी वो सेंटर में काउंट होंगे, या फिर वो सेंटर का है तभी वो सेंटर में काउंट होंगे। लेकिन जिन भी ओबीसी वाले का, ठीक है, ओबीसी एस्पिरेंट हैं, जिनका जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो स्टेट का है तो वो नहीं चलेगा, आपका सेंटर का ही होना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बात कि अगर अभी भी आपने नहीं बनवाया है तो जल्दी से आप बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम क्रूशियल डेट भी बताएंगे कि क्रूशियल डेट क्या है। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अभी भी आपने नहीं बनवाया है ओबीसी का सेंटर का सर्टिफिकेट, यानी केंद्र का, तो अभी आप बनवा लें, क्योंकि स्टेट का नहीं चलेगा वहां पर, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल की है, तो स्टेट की नहीं चलेगा ओबीसी। आपको लाभ किस में चाहिए? सेंटर में चाहिए ना, तो फिर स्टेट का कैसे चल जाएगा? नहीं चलेगा, बनवा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हो गया एस सी एस टी का, स्टेट का होगा तब भी चलेगा, सेंटर का होगा तब भी चलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो ईडब्ल्यूएस सेंटर का चलेगा, स्टेट वगैरह का नहीं चलेगा, तो सेंटर का ही बनवाना, और अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवाना, तो सेंटर का ही बनवाना। अगर पहले बनवा लिया है स्टेट वगैरह का, तो उसे कैंसिल हो जाएगा, आप स्टेट का बनवा लीजिए। क्लियर? अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन है जो भी,
वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, भाई वो एक्स सर्विस मैन है, वो दिखाना है कि भाई हम इस जॉब करते हैं, इस जॉब से हैं, तो उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने एनसीसी का लाभ लिया है, ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोर का अगर आपने लाभ लिया है और आपने दिखाया है कि भाई मेरे पास एनसीसी है, मैं एनसीसी से हूँ, तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको आउट कर दिया जाएगा उस मतलब मेडिकल में सम्मिलित होने से, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट क्या होती है? अब जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे आपका डोमिसाइल होगा, हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बाकी सभी तो आपने 10th जिस ईयर में पास करी है उसी ईयर का सर्टिफिकेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पैन कार्ड आधार कार्ड जब बनवाए थे उसी के होंगे, लेकिन क्रूशियल डेट कहाँ आती है? हमारे डोमिसाइल में एंड कास्ट सर्टिफिकेट में। तो जो आपका डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या वो क्रूशियल डेट की होनी चाहिए? मैम ये क्रूशियल डेट क्या होती है फ्रेंड्स, जो भी आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट होती है, यानी जब आपके फॉर्म भरे जाते हैं उसकी जो लास्ट डेट होती है ना, उसी को हम क्रूशियल डेट कहते हैं। तो जो आपके एसएससी जीडी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी, अगर उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल, तो क्या मैम वो चल जाएगा? तो फ्रेंड्स हाँ, चल जाएगा। आपका क्रूशियल डेट के बाद के भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे ये डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो चल जाएंगे। यानी आपने हाल फिलहाल में भी बनवाया है ना, या फिर अब भी बनवाते हैं, अगर आपके पास अभी नहीं है और अब भी बनवाते हैं तो वो भी चल जाएगा। तो जिस भी फ्रेंड्स ने नहीं बनवाए वो अपने बनवा लें। देखो एग्जाम जो एसएससी है उसका या फिर किसी भी आयोग का ये मतलब नहीं होता कि भाई आपको बाहर निकालना है, बस उनका मतलब ये होता है कि कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी हैकिंग वगैरह इस तरह की गलत चीज़ ना हो, बस वो उसके लिए इतनी ज़्यादा कड़े कानून बनाती है, कोई भी आयोग हो वो इसलिए बनाता है। तो अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, बिल्कुल चल जाएगा, दौड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपके पास देखो डोमिसाइल नहीं है ना, तो एफिडेविट लेके जाना, एफिडेविट चल जाएगा अगर डोमिसाइल नहीं है तो। बाकी आप सभी अपने, और डोमिसाइल कैसा होगा मैम? डोमिसाइल तो स्टेट का होगा, जिस स्टेट से आप निवास करते हैं वही तो दिखाएंगे वहां पर, तो स्टेट का होगा। क्लियर? अब क्या है, अब क्या ध्यान रखना है? और जिस भी फ्रेंड्स ने, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस भी फ्रेंड्स ने हाइट एंड चेस्ट में छूट ली है वो अपने सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, ठीक है, बिना उसके मत चले जाना वहां पर, क्योंकि फिर आपको वो नहीं मानेंगे कि भाई आपने हाइट एंड चेस्ट में छूट ली है। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पर, अब देखो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, क्या बताया? 10th की मार्कशीट, उसके बाद मैंने बताया आपको आईडी प्रूफ, उसके बाद मैंने बताया डोमिसाइल, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन की सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट एंड आपकी क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट को तो चलो छोड़ो, लेकिन हाँ जो एडमिट कार्ड है, अब यहाँ पर क्रूशियल डेट की जगह हम एडमिट कार्ड रख सकते हैं। तो जो ये 8 मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, ये 8 डॉक्यूमेंट्स की आपको जीरोक्स लेके जानी है, यानी फोटोकॉपी लेके जानी है, दो दो तीन तीन, ठीक है, कम से कम 3 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है हर एक डॉक्यूमेंट की। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिकल डेट कब है मैम। तो आपकी जो मेडिकल डेट है ना फ्रेंड्स, वो देखो ये जो मेरिट लगेगी ना, अभी जो आपके जो फिजिकल हुए हैं इसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, तो जो मेरिट लगेगी ना वो आपकी लगेगी जून के लास्ट तक, जून लास्ट तक आपकी मेरिट लग जाएगी, उसके बाद जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जहाँ तक होगा जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कितनी जल्दी प्रक्रिया चल रही है आप सभी जानते हैं। तो ये जहाँ तक है जुलाई में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो ये बात ध्यान रखने योग्य बात है, जो भी फ्रेंड्स ने कोई सर्जरी वगैरह कराई हो, हाल फिलहाल में कोई सर्जरी मत कराना, क्योंकि फिर वो वहाँ पर पकड़ लेंगे कि, क्योंकि सर्जरी अगर वहाँ पर चलती है ना तो 6 महीने की आप पुरानी चलती है, यानी 6 महीने पहले आप करा चुके हो तभी वो अलाउ करेंगे, हाल फिलहाल में कराई होगी तो आपको बाहर कर देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोई भी अपना पॉइंट मत छोड़ना कि वो आपको पॉइंट दें और वहाँ पर रीमेडिकल दें, क्योंकि रीमेडिकल में फ्रेंड्स 10% ही चांस होते हैं आपके क्वालिफाई होने के, सिर्फ 10% चांस होते हैं कि आप क्वालिफाई होगे। तो रीमेडिकल बिल्कुल भी मत लेना, जो भी कमियां हैं गलतियां हैं सुधार लो अभी उन्हें। नेक्स्ट है कि
आप सर्जरी वगैरह अभी मत करवाना, अगर कोई दिक्कत भी है या फिर अभी आपने करा ली है तो जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर लो, बिल्कुल भी वो पहचान ना पाए। 6 महीने की लास्ट की चलते अगर वहाँ पर आप कह भी देते हो ना कि 6 महीने पहले हमने सर्जरी कराई थी तो वो मान लेते हैं, मान जाते हैं। लेकिन अगर वो पकड़ लेते हैं कि भाई हाल फिलहाल 1-2 महीने में कराई है तो फिर आपको बाहर कर देते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है रिव्यू मेडिकल, बिल्कुल री मेडिकल बिल्कुल भी मत लेना, यानी कि कोशिश मत करना कि भाई हमें री मेडिकल मिल जाएगा चलो हम दोबारा दे देंगे। री मेडिकल में सिर्फ आपको 3 से 4 दिन दिए जाते हैं जिसमें कि फिर से आपका मेडिकल लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब था फ्रेंड्स, बाकी यही है, और जो भी जानकारी होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जैसे ही कोई नोटिस होगा या फिर कोई भी होगा। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये 8 प्रकार के मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सभी के लिए, एक्स सर्विस मैंने उसके लिए भी, एनसीसी, मतलब सब कुछ मिला जुला के। तो जिसके पास अब एनसीसी नहीं है, उसने नहीं दिखाया तो उसके पास नहीं होगा तो वो नहीं मांगेंगे। जो एक्स सर्विस मैन है तो ज़रूरी थोड़ा ना कि भाई आप तो न्यू कमर्स हो, अब तो फ्रेशर हो तो आपके पास कहाँ से होगा एक सर्विस मैन का सर्टिफिकेट। तो एक सर्विस मैन वाले के लिए एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट चाहिए, एनसीसी वाले के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, और जो एससी एसटी है उसके लिए वो चाहिए, ओबीसी के लिए ओबीसी वाला चाहिए। बाकी 10th की मार्कशीट सबके लिए कंपलसरी है, डोमिसाइल सबके लिए कंपलसरी है, और यहाँ पर आईडी प्रूफ सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।